हैदराबाद के पुराना शहर में खातून के कत्ल की वारदात पेश आई। खातून का कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि उसके दामाद ने ही किया। पूरा मामला यह है कि 62 साल विजयलक्ष्मी हनुमान मंदिर के करीब शालीबंडा इलाके में रहती थी। उसने करीब 22 साल कबल अपनी बेटी की शादी सेनापति चंद्रगुप्त नामी शख्स से की थी। उस जोड़े को दो बच्चे बताए गए। चंद्रगुप्त शराब नोशी का आदि हो गया था और उसने काम पर जाना छोड़ दिया था, जबकि इसकी बीवी जिंदगी गुजारने के लिए कपड़ों की दुकान पर काम करती थी। फिर भी शोहर के रवैये में तब्दीली न आने पर खातून अपने माँ विजयलक्ष्मी के घर बच्चों के साथ मुंतकिल हो गई। चंद्रगुप्त को ये बात पसंद नहीं आई। उसकी बीवी सास के साथ रह रही है। वो आज दोपहर अपनी सास के पास पहुंचा और उसने इल्जाम लगाया कि वो अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर रही है। उसने अपनी सास से झगड़ा किया और उसके बाद खंजर निकालकर विजयलक्ष्मी पर वार कर दिया, जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई। इस वक्त हमलावर के दोनों बच्चे भी मकान में मौजूद थे। उन्होंने नानी का कत्ल करने पर अपने बाप की पिटाई कर दी, जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गया। इतला मिलते ही पुलिस मकामी वाकये पर पहुंच गई और इस मामले इसमें एक कत्ल का मामला दर्ज करके नाश को पोस्टमार्टम के लिए मुदाखला कर दिया।